तो गणपति जी आने वाले हैं और मैंने सुना है आसपास काफी अच्छी मूर्तियां आ चुकी है गणपति जी की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के वीडियो में आप लोगों को गणपति जी की काफी अच्छी मूर्तियां दिखा दूं। बहुत अच्छी मूर्तियां उन लोगों ने डिजाइन की है ऐसा मैंने सुना है, तो मैंने सुना क्यों ना आज वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को गणपति जी की सारी मूर्तियां किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, कैसे डिजाइन कर रहे हैं और कितनी अभी तक कंप्लीट हो गए, सारी चीजें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बताते हैं आगे वीडियो में। तो गाइस आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैं आ चुका हूँ जहाँ पे गणेश जी की सारी मूर्तियाँ बन रही हैं। अब ये भोपाल में एक अच्छी लोकेशन पे बन रही है जहाँ से आप चाहें तो वहाँ से मूर्तियाँ ले भी सकते हैं। और साथ में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए पीछे बहुत अच्छी अच्छी तरह की मूर्तियाँ यहाँ पे बना रहे हैं भैया, और किस तरीके से बना रहे हैं सारी चीज़ें हम यहाँ से भैया से पूछेंगे। देन उसके अलावा आप देख लीजिए पूरे पीछे एक घास रखी हुई जिसके थ्रू सारी मूर्तियाँ बनाई जाती है, कैसे बनती है सारी प्रोसेस हमें यहाँ पे भैया बताएंगे। देन उसके अलावा चलिए मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ बहुत सारी मूर्तियाँ जो यहाँ पे तैयार होने को हैं, और भी मूर्तियाँ जो मतलब किस 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 डिज़ाइन में तैयार हो रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी इसके मत करना। और हाँ, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिख देना। तो यहाँ पे ये भैया मेरे साथ में, भैया आपका नाम क्या है? अब भैया यहाँ पे बताएंगे आप मूर्तियों को किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन करते हो, कैसे डिजाइन करते हो? मतलब जी कब से आप मूर्तियाँ डिजाइन कर रहे हैं? हाँ, कितना टाइम हो गया आपको मतलब मूर्तियाँ इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते? 10-12 दिन आए। अच्छा, 10-12 दिन सीजन से भैया ने कम्प्लीट किया। और इससे पहले कितने सीजन आप गणेश जी की मूर्तियाँ बना चुके हैं? पहले आया। अच्छा, पहली बार ही भैया बना रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए काफी अच्छी फिनिशिंग है, काफी अच्छी मैं अंदर भी और ज्यादा मूर्तियां हैं, हम सारी चीजें आप लोगों को दिखाने वाले हैं, भैया ने भी यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए यहाँ से गणेश जी की सारी मूर्तियां देखिए और गणेश जी को प्रणाम कीजिए, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। अभी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर मूर्तियाँ कंप्लीट हो रही हैं, और भैया ने मुझे ये भी बताया कि अंदर भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं गणेश जी की। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ये सारी भी कंप्लीट हो रही हैं। अभी इनका जो फेस है वो गणेश जी का बनने को है थोड़ा, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से अंदर। अंदर का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है और यहाँ पर कूलर चल रहा है ताकि मूर्तियाँ अच्छे से सूख जाएँ। यहाँ पर वो भी ये डिज़ाइन भी कर रहे हैं, तो चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इन सारी मूर्तियों पर उनका फेस लगना बाकी है, बाकी सारी मूर्तियाँ यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी हैं। आप देख लीजिए सारे साइज़ में यहाँ पे आप लोगों को मूर्तियाँ मिल जाएंगी। तो भैया अभी आप मूर्तियों में क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, ओनली मिट्टी दे रहे हैं अभी। तो अभी भैया ओनली मिट्टी लगा रहे हैं। और इनके हेड कब तक मतलब इनका फेस कब तक बनके तैयार हो जाएगा? 10-15 दिन में आपको सारी मूर्तियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी भैया लोगों ने मूर्तियाँ डिज़ाइन की हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे पहले इस तरीके से ये घास से बनाते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे मिट्टी लगा देते हैं इनके ऊपर, तो काफ़ी अच्छी आ जाते हैं। देन कलर वगैरह सारा प्रिंट फिनिशिंग वगैरह देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाद में कर देते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ दिखा दी हैं, चलिए एक बार आप लोग ओवरव्यू दे लीजिए, जो कि वीडियो में थोड़ा म्यूजिक के साथ आपको बता देता हूँ किस तरीके से काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पे मिल जाते हैं। आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कितने ज़्यादा यूनिक आपको यहाँ पे हर साइज़ में मूर्तियाँ मिल जाएंगी। जैसे छोटे आपको जिसको छोटे गणपति जी चाहिए वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसको बड़े गणपति चाहिए वो भी बाहर कंप्लीट हो ही रहे हैं, और छोटे वाले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मोस्टली कंप्लीट हो ही गए हैं यहाँ पर। तो चलिए एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं सारे गणपति जी का। तो गाइस अभी आप सारे गणपति जी को देख रहे होंगे, बस इनका फेस बनने में थोड़ा सा टाइम है, जैसे ही फेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो सारे गणपति जी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब गणपति जी के आप देख लीजिए कितनी अच्छी यहाँ पे ये गद्दी भी बनाई गई है, देन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गणपति जी की बनाई गई हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ इन लोगों ने डिज़ाइन की है यहाँ पे गणपति जी की, और इससे लगता है गणपति जी जल्दी आने वाले हैं और आप लोग भी गणपति को इन्जॉय करने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी सबसे यूनिक मुझे लग रही है गणपति जी पार्वती मैया के साथ में, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ये भी काफ़ी अच्छी यूनिक मूर्ति यहाँ पे लग रही है। देन उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन यहाँ पे भैया लोगों ने बनाए हैं, आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिए होंगे। और तो चलिए हम चलते हैं बाहर की तरफ भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो डिज़ाइन हो रही हैं, जो कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर डिज़ाइन हो रही हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं ना,
यहाँ पे वो भैया भी लगे हुए हैं अपने काम करने में। देन उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे, एक और हमें सबसे अच्छी प्यारी मूर्ति यहाँ पे देखने को लिए गणपति जी, जो कि यहाँ पे चांद पे बिठा दिया है भैया लोगों ने। बहुत ही यूनिक मूर्तियाँ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही इस बार गणपति में मुझे ऐसा लग रहा है मूर्तियाँ देख के मज़ा ही आने वाला है। भैया आप लोग हर बार इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं या इस बार बना रहे हैं? हर बार बनाते हैं, हर बार भैया इसी तरीके से काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं। कितने साल से बना रहे हैं? 8-10 साल से भैया कंटिन्यू इस तरीके से काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सारी मूर्तियाँ चाहिए कहाँ से मिलेंगी, तो उसका मैं नंबर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। भाई ये वाली मूर्ति देख रहे होंगे, ये काफ़ी यूनिक मूर्ति है। ये रथ पे गणेश जी को यहाँ पे बिठा के रखा है भैया ने, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये सीढ़ी रखी है, नहीं तो इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक मिल जाता है। यहाँ से देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है।